कि भले आप आदिवासी राष्ट्रपति बना लें, लेकिन इस देश से आदिवासियों के पहचान को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार कृत संकल्पित है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां शासन है वहां वहां हत्या एक संरक्षित काम के तौर पर उभर के सामने आया। जब हमारे देश के गृहमंत्री 1.5 महीने मणिपुर में जलने में आग लगा रहा और अंत में 29 मई को वो मणिपुर गए और 31 तारीख को लौटते वक्त उन्होंने कहा कि अब मणिपुर में पूरी तरह शांति हो गई है, मणिपुर में अब कोई हिंसा नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही कि उनके लौटने के एक हफ्ते में ही 85 कुकी गांव फूंक दिए गए, जो जातीय हिंसा हो रही है और वहाँ के जो ट्राइबल सोसाइटी है कुकी जनजाति, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ के आदिवासी। मणिपुर में एक घायल युवक को लेकर एसपी के नेतृत्व में आसाम राइफल्स के कमांडो के पायलटिंग और एस्कॉर्ट में एक एम्बुलेंस जा रही थी जिसमें घायल युवक की माँ और उनकी एक परिचित सवार थे। उस एम्बुलेंस को भीड़ ने घेर लिया, एसपी और आर्म्ड कमांडो वहां से भाग खड़े हुए और घायल अवस्था और उसकी माँ और उस महिला को जिंदा जला दिया गया। ये अत्यंत हृदय विदारक एक घटना है। वो भी घटना तब घटी जब हमारे देश के गृहमंत्री 1.5 महीने मणिपुर में जलने में आग लगा रहा और अंत में 29 मई को वो मणिपुर गए और 31 तारीख को लौटते वक्त उन्होंने कहा कि अब मणिपुर में पूरी तरह शांति हो गई है, मणिपुर में अब कोई हिंसा नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही कि उनके लौटने के एक हफ्ते में ही 85 कुकी गांव फूंक दिए गए, हम सबको जानते हैं कि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक ऐतिहासिक राज्य है क्योंकि मणिपुर के ही मोइरांग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत का पहला तिरंगा फहराया था। इसलिए मणिपुर इस देश का एक ऐतिहासिक राज्य भी है। मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है और वहां के जो ट्राइबल सोसाइटी है कुकी जनजाति, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं क्योंकि वो वहां के आदिवासी। हम सब जानते हैं मणिपुर भारत के
संविधान के 6वीं अनुसूची में आच्छादित प्रदेश वो संरक्षित है, उसको संसदीय कवच प्राप्त, फिर भी वहां के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार से उस राज्य को आग के हवाले किया जो बहुसंख्यक मैत्री समाज है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो क्रियाकल्प है वो साफ दर्शाता है कि भले आप आदिवासी राष्ट्रपति बना लें लेकिन इस देश से आदिवासियों के पहचान को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार कृत संकल्पित है। जो कड़ा शासन व्यवस्था की बात करती है, अनुशासन की बात करती है, उसके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थितियां क्या है, ये किसी से छुपी हुई चीजें नहीं। कल एक और घटना घटी थी, लखनऊ के कोर्ट में एक सजायाफ्ता अभियुक्त जो दूसरे केस के पेशी के लिए गया, पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या कर दी गई। कुछ दिन पूर्व प्रयागराज में भी इसी तरह की घटना घटी थी, अनायास हमको याद आ गया कि पिछले रघुवर सरकार के समय भी हजारीबाग और जमशेदपुर में के कोर्ट में इसी तरह की घटना घटी थी। फिर याद आया मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसी तरह की जब कोर्ट के अंदर में हत्या की गई, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या हुई। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जहां जहां शासन है वहां वहां हत्या एक संरक्षित काम के तौर पे उभर के सामने आया। हाहाकार मचा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के जो जनजातीय समुदाय है उनके बीच में, जहां पर जातीय संघर्ष मैती के साथ कुकी का हो रहा है, जानबूझकर गृह मंत्रालय ने वहां का जो आसाम राइफल को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया उसका जो कमांडर है वो मैती समुदाय से आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय के संरक्षण में ही इस प्रकार की घटनाएं घट रही। आखिर कौन जिम्मेवारी लेगा? प्रधानमंत्री जी के बारे में विदेशों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी बात करते हैं तो विदेशों में हमारी छवि कैसी बन रही होगी? कोई कहते हैं कि पैर छू लेता है, कोई कहते हैं बॉस है, कोई बोलता है ऑटोग्राफ लेंगे, तो दिल्ली में क्या हो रहा है?
मणिपुर में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, ये स्थिति है। मैं खासकर अपनी पार्टी की जो चिंता है उसको जाहिर कर रहा हूं कि इस देश में जनजातीय समुदाय के साथ जिनको कई तरह के संवैधानिक कवच भी है, उसके रहते यदि भारत सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा तो ये विकट संकट पैदा करेगा। भारत सरकार को हमको लगता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी मूलवासी दलित अल्पसंख्यक ये तमाम लोगों को केंद्र में रखकर नीतियां बनानी पड़ेगी और उनको जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको भी समझाना पड़ेगा कि यदि ये कमजोर लोग हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम इस पर और अत्याचार करो। मैं पार्टी के तरफ से मणिपुर के मुख्यमंत्री को अविलंब अपदस्थ करने का मांग करता हूं और तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर कानून व्यवस्था को रिस्टोर करने का मांग करता हूं। धन्यवाद।